नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर हजारों डाक कांवरिया बासुकीनाथ धाम हुए रवाना। बोलबम के जयघोष से गूंजता रहा कांवरिया पथ। देश भर में सोमवार को मनाया जाएगा बकरीद का त्यौहार। बाजारों में बढ़ी रौनक, सारी तैयारी हुई पूरी। पर्व त्यौहार को लेकर जिले भर में सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम। पुलिस केंद्र से निकाला गया फ्लैग मार्च। कहलगांव में खेत से बिचड़ा लाने गए किसान पर गिरा ठनका, मौके पर हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। और ईद उल अजहा को लेकर मेयर ने ईदगाह मैदान का किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। और अब खबर विस्तार से। सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर भागलपुर के एसएम कॉलेज सिरी घाट एवं बरारी सिरी गंगा घाट से रविवार को डाक कांवरियों का जत्था बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। सुबह से ही गंगा घाटों पर कांवरियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और गंगा में डुबकी लगाकर विभिन्न जगहों से आए कांवरियों ने पूजा अर्चना कर बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक का संकल्प लिया और बोलबम एवं हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए बाबा धाम रवाना हुए। इस दौरान गंगा घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही, जबकि पूरा कांवरिया पथ भगवान शिव के जयघोष से गूंजता रहा। इसको लेकर गंगा घाट एवं कांवरिया मार्ग में पूजन सामग्री की दुकानों पर पुरुष, महिला एवं बाल कांवरियों की भीड़ जुटी रही। खंजरपुर, मनाली चौक, पटेल चौक, भीकनपुर, मिर्जान हाट, अलीगंज समेत पूरे कांवरिया पथ पर अंतिम सोमवारी को लेकर जगह जगह सेवा शिविर के माध्यम से कांवरियों की सेवा की गई। एक ओर जहां सुबह से निकली धूप से लोगों का हाल बेहाल रहा, वहीं दोपहर बाद आई तेज बारिश से कांवरियों को राहत मिली। सर्वोच्च बलिदान और त्याग का प्रतीक ईद उल अजहा यानी बकरीद सोमवार को देश भर में मनाया जाएगा। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रविवार को बाजार में लोग दिन भर बकरीद पर्व को लेकर खरीदारी करते दिखे। सबई, लच्छे के अलावा इस बार बखरखानी और मैदे से बने स्पेशल रोटी की भी जमकर बिक्री हो रही है। दूसरी तरफ ततारपुर के अलावा चंपानगर, भिकनपुर, बहरपुरा और लोधीपुर इलाके में बकरा बाजार गुलजार रहा और लोगों ने अंतिम दिन मोल भाव के साथ बकरे की खरीदारी की। वहीं बकरीद की नवाज को लेकर जिले भर के खानकाहों और मस्जिदों में साफ सफाई होती रही। भागलपुर के विभिन्न इबादतगाहों में सोमवार को बकरीद की विशेष नवाज सुबह 6 बजे से 11 बजे दिन तक अदा की जाएगी। ईद उल अजहा को लेकर खानकाह आलिया सहवाजिया के मौलाना फारूक आलम अशरफी ने कहा कि इस दिन गरीबों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जबकि जमियत उलेमा हिंद के प्रभारी मौलाना फारूक नदवी ने बताया कि सही नीयत से की गई कुर्बानी अल्लाह को पसंद है। बकरीद का त्यौहार ये इंसान के अल्लाह के हुक्म के आगे अपने आप को हवाले कर देने का पैगाम देता है, यानी जो अल्लाह चाहे बंदे को वही करना चाहिए। और इस मौके पर हर एक का ख्याल रखना चाहिए, अमीर है, गरीब है, दोस्त अहबाब सबका ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोया के कुर्बान कर दिया, उसी तरह से इंसान को हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि जब अल्लाह ताला का हुक्म हो जाए तो अपना तन, मन, धन, बल्कि अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ जिसको वो पसंद करता है उसको अल्लाह के राह में कुर्बान कर दे। तो गोया एक तरह से बकरीद का असल पैगाम यह है कि एक ईमान वाला, एक मुसलमान ये इस बात का इरादा करता है, उसको याद करता है और अपने रब के सामने फिर से दोहराता है कि ए अल्लाह, ए प्रभु, ऐश्वर, हम तेरे हुक्मों के पालन करने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में चाहे खरीद व फरोख्त में हो, चाहे अपनी इबादत में हो, चाहे दूसरों की मदद करने में हो, माल के इस्तेमाल करने में हो, हर जगह हम उस अंदाज से चलेंगे जिस पे तू खुश होता है, जायज़, सही और अच्छे जो चीज़ें होंगी जिस पर खुश कर सकते हैं उस पर हमको अमल करना है। हम इसका ऐलान करते हैं।
बकरीद और सावन की अंतिम सोमवारी को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर रविवार को पुलिस केंद्र से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व SSP आशीष भारती ने किया। इस दौरान फ्लैग मार्च में शामिल पुलिस जवानों ने शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हुए सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की। SSP आशीष भारती के निर्देश पर सिटी DSP राजवंत सिंह कई थानों की पुलिस के साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर मार्च किया और लोगों से सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व त्यौहार मनाने की बात कही। सिटी DSP ने बताया कि बकरीद को लेकर चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है, साथ ही असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। कहलगांव अनुमंडल के सनोखर थाना क्षेत्र में रविवार को ठनका की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान तलौंधा निवासी कामेश्वर यादव के 42 वर्षीय पुत्र कालीचरण यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति खेत से बिचड़ा लाने बहियार गया था। इसी दौरान अचानक तेज बारिश के साथ वज्रपात होने लगा, जिसकी चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार और मुखिया शिव कुमार शाह मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोमवार को होने वाले बकरीद पर्व को लेकर भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह और उप महापौर राजेश वर्मा ने रविवार को साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। मेयर ने ईदगाह कमेटी और पूजा समिति के सदस्यों के साथ नाथनगर स्थित कर्णगढ़ ईदगाह मैदान की साफ सफाई व्यवस्था को देखा और निगम कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। विभिन्न समितियों के लोगों ने मेयर को बताया कि इस बार बकरीद की नवाज कर्णगढ़ मैदान में सुबह 7 बजे से अदा की जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में नवाजी शामिल होंगे। वहीं मेयर और डिप्टी मेयर ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने की बात कही। आज CTS मैदान में बकरीद ईद पर्व में आज हम लोग सारे टीम निरीक्षण जांच में आए हैं कि हम लोग काम सही ढंग से हो, हर साल की तरह इस साल भर कोई परेशानी ना हो और सारे मोहन भाई बहनों से कि आप लोग शांतिपूर्वक मनाए। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी भागलपुर नगर निगम पूरी तत्परता के साथ CTS ग्राउंड में, जहां पर हज़ारों लाखों की तादाद में बकरीद के अवसर पर, ईद के अवसर पर नमाज यहां पढ़ने के लिए लोग आते हैं, यहां साफ़ सफाई की व्यवस्था में कोई चूक नहीं रहे, यहां पर लोगों को पानी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं मिले, यहां पर जो भी कमी बेसी हो तमाम कमी बेसियों को दूर करके किन्हीं को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, शांति और सौहार्द के साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष बकरीद का त्यौहार मने। सूबे के भूमि सुधार राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल ने रविवार को कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री राम नारायण मंडल अवरखा स्थित बोलबम सेवा समिति, दलसिंह सराय धर्मशाला, सरकारी धर्मशाला एवं टेंट सिटी पहुंचे, जहां कांवरियों को मिल रही सेवा और सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही मंत्री ने कांवर लेकर बाबा धाम जा रहे श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। वहीं दलसिंह सराय धर्मशाला में मंत्री का भव्य स्वागत सेवा समिति की ओर से किया गया। इस दौरान मंत्री ने कांवरियों के बीच शरबत का वितरण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष विकास सिंह, अजय कुमार दास, मुकेश कुमार सिन्हा, हरे कृष्ण पांडे, चंदन सिन्हा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बांका के कटोरिया में ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर उसके शव को फंदे से लटका दिया। मृतक महिला की पहचान कटोरिया बाजार मुस्लिम टोला निवासी मोहम्मद इदरीस अंसारी की पत्नी रेजून बीबी के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतिका के भाई मुबारक अंसारी के बयान पर पति, सास, ससुर और देवर पर दहेज के लिए हत्या करने का मामला दर्ज कराया गया है। वहीं कटोरिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति मोहम्मद इदरीस अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात किसी बात को लेकर मृतिका का ससुराल वालों से विवाद हुआ था, जिसके बाद ससुराल वालों ने पीट पीट कर महिला की जान ले ली और उसके शव को घर में फंदे से लटका कर सभी लोग फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कटोरिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क TV। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584, 8430075573।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ पहुँच कर आयोजन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिर्फ टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बकरीद अंतिम सोमवारी और विषहरी पूजा को लेकर नाथनगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सिटी डीएसपी राजवंत सिंह ने की। सिटी डीएसपी एवं नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने दोनों समुदाय के लोगों से त्यौहार को शांति एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने त्यौहार को सौहार्दपूर्ण रूप से संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन की मदद करने की बात कही। इस मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, देवाशीष बनर्जी, जियाउर रहमान, अशोक राय, निजाहत अंसारी, तब्रेज रहमानी, सूर्य प्रकाश लाल सहित कई सदस्य मौजूद थे। नाथनगर सिटी जो कर्णगढ़ ऐतिहासिक मैदान, वहाँ पे हमारे मुस्लिम भाइयों के नवाज अदा होंगे और बम के भी होंगे। हमारे सोमवारी लाश सोमवारी भी है, लेकिन उनके लिए तीन रास्ता खुला हुआ है। एक रास्ता बम के लिए है, जो बाबा मुस्कमना नाथ है। सारी तैयारियाँ की जायजा ले लिया है पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने, और हमारी तमाम टीम नाथनगर के प्रशासन भी लगे हुए हैं। हमारे मेयर भी, भागलपुर की मेयर भी लगी हुई है कि नाथनगर शांति सद्भावना के लिए जाना जाता है। पूरा सरकार की नज़र है, बिहार सरकार नीतीश जी का भी सर नज़र है नाथनगर में। मैं पूजा समिति अध्यक्ष के नाते पप्पू यादव बताना चाहता है, नाथनगर में सिर्फ हमारे पूजा समिति रोड पर रहेंगे, परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है। वहीं बांका के चांदन थाना परिसर में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष नीरज तिवारी ने की। इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की गई। चांदन वीडियो दुर्गा प्रसाद एवं सीओ शंभु शरण राय ने त्यौहार के दौरान किसी प्रकार की समस्या या अफवाह की सूचना मिलने पर तुरंत जानकारी देने की बात कही, जिससे समय रहते मामले को नियंत्रित किया जा सके। वहीं थानाध्यक्ष ने असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही। बैठक में मुखिया छोटन मंडल, रविश कुमार, विक्रम दुबे सहित काफी संख्या में शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। वहीं बकरीद और सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर पंजवारा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता थाना अध्यक्ष मुरलीधर साने की। बैठक में सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की बात कही गई, साथ ही संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर पुलिस बल को नियुक्त करने की बात थानाध्यक्ष ने कही। भागलपुर के अलीगंज ठाकुरबाड़ी में रविवार को मातृ पूजन उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय सेवा प्रमुख अजय कुमार, जिला संघ चालक राणा प्रताप एवं विजया मोहिनी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान बच्चों ने नियम पूर्वक अपने माता की पूजा की और आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी माता के सम्मान में गीत एवं कविता प्रस्तुत किया, जबकि अभिभावकों ने भी अपने बच्चों के जीवन में खुशहाली की कामना की।
नरेश शाह ने कहा कि भारतीय सभ्यता संस्कृति की जानकारी बच्चों को मिले इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही कहा कि पाश्चात्य संस्कृति के कारण समाज एवं परिवार में एकजुटता कम होती जा रही है। कार्यक्रम की संयोजिका प्रियंका कुमारी ने कहा कि प्रत्येक रविवार को संस्कार वर्ग लगाया जाता है और वर्ष में एक बार मातृ पूजन के माध्यम से बच्चों को माता के महत्व के बारे में बताया जाता है। इस मौके पर काफ़ी संख्या में महिलाएँ एवं बच्चे मौजूद थे। रोटरी विक्रमशिला पिंक की ओर से भागलपुर के कचहरी चौक के समीप एक होटल में रंगीलो सावन सा तीज उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्लब के सदस्यों ने सभी सुहागिन महिलाओं का स्वागत कर श्रृंगार किया और सावन उत्सव की बधाई दी। इस दौरान पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव, पूर्व उप मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर समेत कई अतिथियों को मेहंदी लगाकर सुहाग की निशानी दी गई और हमेशा सावन उत्सव मिलजुल कर मनाने की कामना की। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कई तरह के खेल का आयोजन किया गया जबकि बच्चों के बीच गिफ्ट एवं चॉकलेट का वितरण किया गया। इस मौके पर चंदना चौधरी, किरण गोस्वामी, मोनिका महसिका, अंजना प्रकाश, मृदुला घोष, सुमन सोनी समेत काफी संख्या में सदस्य मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों की उपस्थिति को राजभवन और विश्वविद्यालय से ऑनलाइन लिंक कराने का निर्णय लिया है। इसको लेकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल अरुण कुमार सिंह ने पत्र जारी कर दिया है। वहीं इंजीनियर मुरारी मिलन अरुण को विश्वविद्यालय प्रशासन ने सितंबर माह से बायोमेट्रिक उपस्थिति को राजभवन एवं विश्वविद्यालय में ऑनलाइन देखे जाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इंजीनियर ने बताया कि तय समय के अंदर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी प्रणव कुमार के निर्देश पर जगदीशपुर सीओ द्वारा भागलपुर के वैरायटी चौक स्थित ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय में दो दिवसीय मालगुजारी कर वसूली शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यवसायी वर्गों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने बढ़ चढ़ कर शिविर में हिस्सा लिया और अंचल कर्मियों के समक्ष बकाया रसीद कटवाई। शिविर में लोगों ने अंचल कर्मचारी से मालगुजारी रसीद से जानकारी ली और आवश्यक कागजातों के साथ रसीद कटवाई। कार्यक्रम में चैंबर अध्यक्ष अशोक भिवानी वाला, संयोजक शरद सलारपुरिया, गिरिधर गोपाल मावंडिया, अभिषेक जैन एवं पुनीत चौधरी समेत कई सदस्यों ने शिविर में आए लोगों की सहायता की, जबकि जगदेशपुर अंचल कर्मचारी अशोक कुमार दास समेत कई कर्मी अपने कार्य में मुस्तैद रहे। चैंबर के महासचिव रोहित झुंझुनवाला ने कहा कि व्यवसायियों एवं शहरवासियों की सुविधा को लेकर चैंबर कार्यालय में शिविर आयोजित किया गया है और शिविर में काफी संख्या में लोगों ने रसीद कटवाई। उन्होंने कहा कि लोगों की भीड़ को देखते हुए जगदेशपुर सीओ सोनू कुमार भगत से शिविर की अवधि बढ़ाने की मांग की गई जिससे अधिक संख्या में लोग माल गुजारी रसीद कटवा सके। ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज भागलपुर के द्वारा आज ये अंचल रसीद कटवाने के लिए व्यापारियों के सुविधा को देने के लिए हम लोगों ने ये कैंप लगाया। अंचल के करीब 9 स्टाफ यहाँ पर हैं, सीओ साहब भी आए थे और उन्होंने इस प्रोग्राम को चालू करा के वो गए हैं। उनका कुछ डीएम साहब के साथ में मीटिंग था तो वो निकल गए और ये जो 9 स्टाफ है, ये जो भी लोग आ रहे हैं अपनी पुरानी रसीद लेके, उसे वो उनकी रसीद तत्पर काटी जा रही है। भागलपुर के उर्दू बाजार रिकाबगंज स्थित समृद्धि महिला कल्याण समिति की बैठक रविवार को समिति के कुमुद कुमार राय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं विसरी पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में आपसी भाईचारे के साथ मनाने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इस दौरान सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी त्यौहार सम्पन्न कराने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में समिति के सदस्यों की तैनाती का निर्णय लिया गया जिसमें किष्णु दास, आशा देवी, पुतुल देवी, जगदीश ठाकुर एवं नवल किशोर राय शांति समिति एवं प्रशासन के साथ नाथनगर के अलग क्षेत्रों में तैनात रहेंगे जबकि कहलगांव में अरुण कुमार चौधरी एवं साकुंड में सर्वोदय प्रसाद सिंह और धर्मेंद्र कुमार मौजूद रहेंगे। समिति के सचिव इंदिरा देवी एवं कोषाध्यक्ष परवेज आलम ने कहा कि बकरीद और सावन की अंतिम सोमवारी एक ही दिन पड़ने के कारण सड़कों पर दोनों समुदाय के लोगों की भीड़ जुटेगी। समिति के सदस्य ने अफवाह से बचने एवं एक दूसरे के साथ मिलकर शांतिपूर्वक माहौल में त्यौहार सम्पन्न कराने में अपनी भूमिका निभाएंगे। समृद्धि महिला कल्याण समिति के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया बकरीद पर और रक्षाबंधन पर और 15 अगस्त पर एवं विसहरी पूजा पर। अमन शांति भाईचारा बनाने के लिए संस्था की तरफ से सभी लोगों को डिप्यूट किया गया है कि पर्व को संपन्न करा दिया जाए। पर्व को संपन्न कराने के बाद एक संस्था में फिर बैठक बुलाई जाएगी कि भाईचारा एवं प्रेम बांटा गया संस्था की ओर से। भागलपुर के कंपनी बाग स्थित बिहारी लाल भवन किलकारी में बच्चों को प्रकृति, मौसम एवं संस्कृति से जोड़े रखने के लिए सावन उत्सव एवं रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेहंदी प्रतियोगिता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें किलकारी के बच्चों ने नृत्य संगीत कजरी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी जबकि मेहंदी प्रतियोगिता में दर्जनों बच्चों ने हिस्सा लेकर अपनी कला का परिचय दिया। मेहंदी प्रतियोगिता में लता कुमारी एवं अंकिता राय को प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ जबकि अंजलि एवं प्रिया को
तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। वहीं रक्षाबंधन कार्यक्रम में किलकारी के बच्चों द्वारा तैयार की गई राखी बहनों ने अपने भाइयों को बांधी। पूरा किलकारी सभागार छोटे छोटे बच्चों से भरा रहा और किलकारी के बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाइयों को राखी बांधकर भारतीय संस्कृति की झलक पेश की। कार्यक्रम में किलकारी भागलपुर के प्रमंडल समन्वयक विकास रंजन, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी गीता कुमारी, सहायक लेखा पदाधिकारी लाल बाबू राम, नवीन मसही, कुंदन कुमार, कुमार संभव, विक्रम समेत काफी संख्या में किलकारी के बच्चे एवं अभिभावक भी मौजूद थे। गीता कुमारी ने कहा कि बच्चे अपनी संस्कृति और त्यौहार का महत्व समझ सके, इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर बेएन कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा नाथनगर के महादलित टोला में रविवार को स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता अभियान चलाया गया। महादलित इलाके में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के निर्देश पर किया गया है। शिविर के तीसरे दिन प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नीलू कुमारी की देखरेख में NSS के छात्र छात्राओं ने जागरूकता अभियान चलाया। इसके पूर्व स्वयंसेवकों ने कॉलेज परिसर से रैली निकाली और स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद NSS की टीम में शामिल सदस्यों ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की और बच्चों का टीकाकरण समय पर कराने की बात कही। इस अवसर पर कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अंबिका कुमार, डॉक्टर रविशंकर, अनुपम आनंद वर्धन समेत कई शिक्षक और छात्र छात्रा मौजूद थे। लायंस क्लब भागलपुर गोल्ड की ओर से रविवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड परिसर में जगह जगह क्लब के सदस्यों ने वृक्ष लगाए और लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति के संतुलन के लिए वृक्ष लगाने की अपील की। इस दौरान क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि सैंडिस कंपाउंड में लोग अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए वॉक करने आते हैं और वृक्षारोपण से वातावरण शुद्ध होता है और भविष्य में छाया भी मिलती है। इस मौके पर ज्योति पुंज मेहरोत्रा, पंकज टंडन, गोपाल खेतरी बार, मनोज जैन, चिंटू अग्रवाल समेत लायंस क्लब के कई सदस्य मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर हजारों डाक कांवरिया बासुकीनाथ धाम हुए रवाना। बोलबम के जयघोष से गूंजता रहा कांवरिया पथ। देश भर में सोमवार को मनाया जाएगा बकरीद का त्यौहार। बाजारों में बढ़ी रौनक, सारी तैयारी हुई पूरी। पर्व त्यौहार को लेकर जिले भर में सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम। पुलिस केंद्र से निकाला गया फ्लैग मार्च। कहलगांव में खेत से बिचड़ा लाने गए किसान पर गिरा ठनका, मौके पर हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। और ईद उल अजहा को लेकर मेयर ने ईदगाह मैदान का किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।